दोस्तों, इंडियन आर्मी को मिलने वाला एक नया टैंक और इस टैंक का नाम है जोरावर। ननामी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे जोरावर है और इसके अंदर का जो लाइट टैंक है इंडिजिनसली बनाए जाएंगे भारतीय कंपनियों के द्वारा। तो जिस तरह के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं LSC पे, आपका जो नदन बॉर्डर है वो एक्टिव हो चला है। ये नए टैंक की जरूरत भारतीय सेना को क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या थे और ये नाम आया कहां से? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम नहीं है जोरावर? लगता नहीं है किसी बड़े लड़ाके का, बड़े वॉरियर का नाम है। बात तो सच है, डोगरा फौज का जनरल जोरावर वो जनरल था डोगरा साम्राज्य का जिसने तिब्बत की खिड़कियां खड़का दी थी और तिब्बत में उसने डोगरा साम्राज्य का झंडा लहरा दिया था। आज भी जनरल जोरावर का किला है लद्दाख में। इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? चाइना का खतरा है, इंडिया को जरूरत है, या कि आप समझते हैं कि इंडिया का रीजनल पावर या वो जो स्टेटस हाई बन जाए तो लोग उनको फॉलो करेंगे? S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम ही है कि इंडिया डिफेंस सिस्टम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम है टैंक जोरावर। तो गाइस, ये टैंक का सुनकर पाकिस्तानी मीडिया तो शौक ही हो गया है, पाकिस्तानी मीडिया के कानों से धुआं निकलने लग गया है। तो अभी गाइस, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम के बजट में भी इजाफा कर रहा है। गाइस, पाकिस्तानी मीडिया को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही कि इंडिया के डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो गाइस, देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड पर। तो दोस्तों, ये बात कहाँ से शुरू हुई कि हमें टैंक चाहिए? अब इंडियन आर्मी में T-72 है, आपको पता है, इंडियन आर्मी में T-90 है, आपको पता है, और इंडियन आर्मी में अर्जुन टैंक है, MBT अर्जुन जिसको कहते हैं, मेन बैटल टैंक, ये भी आपको पता है। और ये सारे टैंक बड़े भारी हैं। वैसे भी T-72 जो है वो फेज आउट हो रहा है, होने वाला है। अब बचे T-90। डिप्लॉय करे हैं। दोस्तों, ये थी 1948 की बैटल ऑफ जोजिला। जोजिला पास पे लड़ाई हुई थी जहां पे पाकिस्तानी
जाहिर सी बात है कश्मीर हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फौजें भेजी, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे, और पाकिस्तान को लग रहा था कि यार यहाँ से नाम भारतीयों को धकेल देंगे। उनको क्या पता था कि वहाँ पे उस वक्त कर्नल राजेंद्र सिंह स्पैरो थे, और कर्नल राजेंद्र सिंह स्पैरो अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विंटेज टैंक्स को उठा के ले गए वहाँ पे नट बोल्ट खोल के, समझ रहे हैं आप, उस समय जब वहाँ पे ट्रैक्स नहीं थे दोस्तों, मैं 1948-1948 की बात कर रहा हूँ, कोई ट्रैक्स नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे खोल खाल के टैंक को पूरा उठा के किसी को खचरों में डाला, किसी को गाड़ियों में डाला, किसी को कंधे में ले गए, और वहां पे जाके टैंक को जोड़ के रीअसेंबल करके जब पाकिस्तानी आए तो उन्होंने देखा यार ये क्या है, इतनी हाइट पे 11,500 फुट, 11,500 फुट की हाइट में टैंक फायर कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को होश फाकता हुआ भाग गए वहां से। तो ये भारतीय सेना कर चुकी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि भारतीय सेना ने कभी नहीं करा, लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और आपने बोला कि प्लेन्स में होते हैं टैंक्स, और प्लेन्स में हमारी 3 स्ट्राइक कोर्स थी, अब तो चौथी आ गई है, लेकिन 3 स्ट्राइक कोर्स थी हमारी, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर, एंड ऑल 3 वर फेसिंग पाकिस्तान। चाइना को कोई स्ट्राइक कोर फेस नहीं कर रही थी आज की तारीख में। जोरावर को ले जाएंगे लद्दाख, और ये लद्दाख के एरिया में जोरावर को दौड़ाएंगे, और जोरावर की जो लिमिट्स हैं, इस टैंक की जो लिमिट्स हैं,
बिल्कुल लिमिट्स को टेस्ट करा जाएगा कि कब तक ये टूटता नहीं है टैंक, तब तक इसको दौड़ाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। देखा आपने किस तरह पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के जोरावर टैंक पर तबसरा कर रहा है। गाइस पाकिस्तानी मीडिया की तो आंखें ही फट गई है गाइस इंडिया का जोरावर टैंक देखकर। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।